Yeah.
जो वो कितने सचुक देता तो आप
करीब चले गए तो आपको अपनी बात ये अनुभव में करीब सब हो गया तो मिला। ये जब आपको ये मिल गया तो आपने ये कभी भी सोचा नहीं कि आपको रामायण ने क्या बुलाया या आपको इसने क्या बुलाया और उसने क्या बुलाया और महात्मा क्या बुलाते हो क्या बताते हैं। तो जब शुरू शुरू में आप यहां की तरह रहने वाले हो गए, न आपका यह घर है, न आपकी जमीन है, न आपका आसमान है, नहीं ये है यहां आप रह गए, आप रहे लोग शरीर भी आपका नहीं है, तो आपको किसी ने मांग करके ले आया और ला करके वो मकाना ला करके ला करके और आपको इस मकाने पर बैठा दिया। तो जीवात्मा को मांग करके ले आया, क्या करके उसने पहले यहां आ करके उसने मसाला मिला के और दिन तैयार किया। तो जब शुरू शुरू में ले आया था तो मां के पेट में हृदय होकर एक ऐसा संगुला का ऐसा था एक लोसरा एक मांग का ऐसा तैयार हुआ। जब वो चार महीने का हो गया तो पांच महीने में वो जीवात्मा को जागृत और ऊपर बैठा दिया, मेरे से हो गया ऐसे ऊपर बैठा दिया। तो ये प्रकार में उसकी शक्ति ने क्या काम किया पूरा कर दिए। तो आपके दो आके मोखा एक खुदा का एक समुद्र ये कर दिया और वो मतलब यह है कि धीरे धीरे मां के पेट में दर्द सकता रहा और पकने में थोड़ा सा समय लगे और पकता उसके अंदर में, लेकिन जब वो मां के जन्म में जब वो आई इसी बात पर जिसको पुरुष कहते मुसलमान जिसको रूप कहते और जब ला के बैठाई गई तो उसकी आखिरी जो और तरह जिस रास्ते से वो सर करके आई है उसी रास्ते को देखते जाते हैं, देख रही थी और आ रही थी और सो रही थी हम। तो जब 9 महीने का बच्चा कृष्ण हो गया तो बाहर निकल पक गया तो बाहर निकला महाराज ने नरनारी बच्चे के काम इसलिए बोल रहे। तो उस समय पर क्या था कि सब सच्चों और सब योगी थे, सब विज्ञानी थे, उस परम पद के विज्ञान को प्राप्त करने वाले देखने वाले सुनने वाले समझने वाले उसके अंदर सर्वशक्ति आपके पास में मौजूद थी, कोई किसी तरह का अल्प ज्ञान नहीं था। सच्चा और सत्य ज्ञान और सच्च शक्ति और सच्च प्रेम सच्चा और सच्चा अनुदान के साथ था। तो मैं तो कोई न कोई पाप था न कोई सुन था न अच्छा था न बुरा था न गाय था न गाय था न कोई मंदिर थे न कोई मैजिक थे और न मत्स्य न कुछ आप ही थे। तो जीवात्माओं को गए जा करके मनुष्य मकान पर बैठाया तो जब बाहर आए तो सबकी आंखों से सब खुले साहब अंदर से विदेश में गया के द्वार पर लोग तेरी आंखों के ऊपर पर लोग शुरू होता है पर लोग वहां से मतलब ऊपर और चले जाते फिर ऊपर जाते उसके ऊपर और वहां से लौट के और सबको देखते चले आते पूरा उनको ज्ञान था पूरा कि ये रचना का विस्तार उस मालिक ने किस तरह से किया सब देखा उन्हें समझाना आपको ये लंबा छोड़ा नहीं सीधा आपको बता रहे तो उस पर क्या था कि जब उसको चले आप तो आपको इसी मतलब ये मन मिला मुझे मिली चित्त मिला और आपको मतलब काम मिले और मतलब यह कहें कार्य तो आपको चीजें दे दी आपको दे दिया तो ये जब आप ऊपर गए तो स्वास्थ्य रुक गई जहां से स्वास्थ्य मिली थी जब ऊपर चले गए तो स्वास्थ्य रुकी रहेगी खर्च नहीं हुई न नाम से खर्च हुई और न मौके खर्च हुई जब खर्च नहीं हुई तो समय पर आपकी आयु लाभ हो रही होगी इसी तरीके से रहेगा। एक पांच तत्वों का कार्य पृथ्वी रखने वायु आकार इस मकाने का बना हुआ ये था उस सरोवर की जो बैठा दी तो उस सरोवर पर आपकी जब लाख वर्ष की पूरी हुई तो आप हो जाते थे तो प्रभु का साक्षात्कार करते थे क्योंकि आगे आपकी खुली थी और काम खुले थे और सब देखते सब सोचते थे सब आनंद किसी तरह का गिरा खाली अंदर खाली थोड़ा शरीर झूठा हो वापस चले अच्छा फिर दोबारा खेल ले आए वो मांग करके
करके जो न्याय तो दोबारा फिर मसा अपना करके दूसरे बंद किया और फिर उसके बाद से मंत्री के ऊपर जाने आने लगी और इनकी इलाज पर लंकर कर पूरा हुआ सब चले वहां पर अपने घर में तो कार भगवान ने सोचा कि अफ्रीका ने इतनी क्षेत्र चली गई कि जितने आप बात दूसरी नहीं थी वहां में सब अभी उन्होंने सोचा कि मेरे कितने जो कितने घर पर जो निकाल नहीं जा सकता है तो समीक्षा की और हमारे का अवसर उसका ध्यान किया और उसको मेरे को पसंद किया और उससे पसंद हो गए तो ये सब के सब चले जाएंगे और मैं उन्हें तो ये राज के सब करूंगा तो मैं समझे कि उन्होंने क्या काम किया उन्होंने पूछा कि आप क्या करें बोलोगे आगे आप आ सकती और स्वयं अपने को भी करके और फिर देवता उन्हें तैयार किए ब्रह्मा विष्णु महादेव जब उनको सब कैसे पूरे जब इनको तैयार कर दिया तो उनको कहा तुम्हारा ये काम तुम्हारा ये काम इस काम को पूछेगा और तुम अपने एक की बात हो सड़क पर यहां से दूसरी और काम के लिए मित्रों में देखो और वहां वो समीक्षा करे मतलब स्थापना करे जो करे और वो मेरे ज्ञान को प्राप्त करे तो मैं उसको आ देती एक किलो में किलो आए ब्रह्मा विष्णु आ रहे और यहाँ पर करने लगे 50,000 वर्ष का सवाल लगाएंगे इसी प्रमुख शरीर में 50,000 वर्ष की सवाल लगाते हैं समाधि में 200 विष्णु या 100 है पहले विष्णु और 300 आत्मा हो गए उनको समाधि लगी है और ब्रह्मा को छोड़ो और समझदार जी तो उनको समाधि जब लगी तो ईश्वर ने कहा कि देखो हम जो बोले तो देखो और जो वो बोलते गए उठते गए जो वो बोलते गए उठते गए जो बोलते गए उठते गए तो सब उन्होंने पूरा नियम विधान अमृत रोग का आसन रखा उसने पाप है सुनने अच्छा बुरा अन्याय अन्याय ऐसा सस्ता ये सब कुछ लिखा उन्होंने जो पैसा ले ग्रहों ने करीब है उनका ये है उसकी माना खाइए और ये चार खाने आपको बनाएंगे 84 में सुन गया और मैं और जब ऊपर बड़ा करके तैयार हो गया तो वो हमारी पुरातन सनातन आज की किताब होती है और फिर वो संस्कृति और संस्कृति है सारी संस्कृति संतरे में उसे लोगे में सब डालते हैं संतरे उसमें की बात है उसको ज्ञान का उसका समोधा करना चाहिए तो अब आपको ये सब सुनाएगा सारी पूरे की बात होगी पूरा पूरा आकार हम आपके आकार को किसी तरह से छीनेंगे नहीं पर ना हम आपके ऊपर ना देंगे ना कोई आदेश देंगे ना कोई लड़ाई देंगे उनको संस्कार है दोनों ने कहा कि खुशी है खुशी और सारी है ये अच्छा है ये बुरा आपसे अच्छा देखो बुरा देखो आपसे अच्छा सुनो बुरा सुनो और वाणी से अच्छा बोलो बुरा करो अच्छा मन से अच्छा संकल्प करो बुरा करो बुद्धि से अच्छा विचार करो बुरा करो जिससे अच्छा कर्म करो बुरा करो सब वायु कर रहे उसको पूरा कार और किसी को हाथ उठना से मारो या किसी को बचा दो और चाहे जितना सुख बोलो चाहे जितना सच बोलो तुमको पूरा कार कर्म करने का है तो क्या कर्म करना पाप बोलो ये सो कर्म सरकारियों को सुना करके और सबको आकार दे दिया गया आकार दिया था सबको वक्त आप इतना हो आप ही जाते रहे ऊपर आते हो जाते रहे आते जाते रहे लेकिन उस तरह पाप से बता रहे और आप मन से पाप को लगा करेंगे सुन रहा बताओ कि सेवा करने लगे तो आराम से रहे किसी की बात पर ये काफी बात को उनको आराम दे रहा हूँ आपको आराम देंगे आप उनको आराम दे रहे ये आराम दे रहा है ये फोन है तो सबको ये फोन देने लगे लेकिन सवाल इस बात का है कि फोन की मनोगति जब हूँ तो उन्होंने कहा कि जो भी फोन करोगे जो सुखकर्म करोगे वो और आप कर्म को आप कर्म करोगे वो उन दोनों का हिसाब रखेंगे और करे हिसाब करके हमारे जो दफ्तर के बाबू है वो वहां बैठे रहेंगे और वो सब तुम्हारा जो कुछ किया हुआ जिसका तुम्हारा समय है उसमें जो कुछ भी करोगे वो सब अच्छा बुरा और सब अंदर सब न्याय अन्याय और ये जो कुछ भी है मारो तीन और हिस्सा और ये कितने आदि बच्चे और कितने मारे और चोरी और नहरी और कितने जानवर काटे कितने पक्षी काटे और कितने ये खड़ा ये सब बोले ये कुल और पाप को सब इसमें रहे वो
मीडिया और ये नाथ और मौके जो होते हुए और सच सच्चे में जो छुट्टी लग जाए तो वहां पर मौके नहीं ये जिंदगी मुझे भी है और जिंदगी जब खत्म हो जाएगी नाथ के बाद हर दो बात से तो पूरी खत्म हो जाएगी जब वो खत्म होगी तो मेरा ये मकान क्या है मैं तुमको एक निर्मल और साफ मकान भविष्य देता हूं इसमें कोई किसी किस्म की गतिविधि नहीं है तो मैं ये तुमको दे रहा हूं इसलिए इसकी बात में जब देखो बेहतर ये दोनों आंखों के बीच और बीच के ऊपर बैठी है तो ये नाक पर नहीं है न ये आंख पर बैठी है न ये मुंह पर बैठी है न इतने गले में है न तुम्हारी नक्की में है न नाभि में है और इसके अंदर कई रहे इसी बात पर जिसकी तरह है इसको जीवात्मा मुसलमान लोग कहते हैं या शब्दों में लोग कहते हैं वो तुम्हारे शरीर में कहीं भी नहीं वो शरीर के ऊपर ना दिखाया और निरंतर न का शरीर विष्णुलोका न था और काम सर्वलोका ना था उसको जाने का तो उन्होंने कहा कि देखो तुम बीच में बैठे हो इधर तुम जाना चाहो ये लोग में तो तुम तुम्हारी इच्छा की बात है तुम्हें चले जाना और तुम प्रलोक में जाना चाहते हो सामने जमा जाए तुम चले जाना हम वो देखिए जो हमारा साझा है हमारे देश से जो भी मर गया है पाप और पुण्य उसका जितना भी तुम सजा डालोगे उतने ब्याज की तुमको देना पड़ेगा अब उन्होंने अपने सब बैठा दिया खैर बैठा दिया तो क्या कहते हैं कि भाई कार धूप में देखा भाई ब्राह्मण में खुला होगा कार धूप में दफा और मैं भाई ये मेरी जीव आत्मा बड़े थे ये तो मैं मांग के सभी कह करके रियायत करके मारे दिया बुद्धि में आकर के आगे सरकार रोकने के लिए ये काम किया कि जल्दी से उसका नियम बढ़ाओ और उसका जो जो उल्लंघन करेगा उसको वो लागेगा और उसका ब्याज लगेगा तो उसका ब्याज उसको और मूल रूप से देना पड़ेगा तो मैं विश्वास सभी बात को समझ लो अच्छी तरह से तो ये है अस्थाकर देखो ये अस्थाकर नहीं है ना इधर अस्थाकर है ना इधर शरीर के अंदर कहीं भी अस्थाकर्म नहीं तो अच्छी तरह समझ लो ये जीवात्मा ऊपर बैठी है तो ये है आपका अस्थाकर्म और बहुत बड़ा अस्थाकर्म है यदि आपका हृदय बहुत बड़ा है जिसको कहते हैं हाथ में से है तो ये बहुत बड़ा एक छोटा नहीं है जीव से और इस आकार के ऊपर में ये जीवात्मा हम बैठी तो ये आकार तो आपने जो आंखा जो खाता जो न खाए तो ये जीवात्मा इसके ऊपर बैठी हुई है तो जितना भी आपने पाप और पुण्य किया जो कुछ भी तो इस आकार के ऊपर में एक जीवात्मा ने उस अस्थाकर्म पर तो उस समय पर तो कोई पाप पुण्य था नहीं था कुछ खरीदा सब दिखाई देता था सब सुनाई में स्वर्ग भी दिखाई देता था बैकुंठ भी दिखाई देता था और उसके बाद में ईश्वर का दो ईश्वर भी दिखाई देता था और ब्रह्म भी दिखाई देता था और पाकर और वो सृष्टि सबको दिखाई देती थी और आते और जाते थे लेकिन जब ये करने लगे पाप और खोल गए तो ये गंदगी धीरे 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 इकट्ठे जब होने लगे तो तुमको ये मालूम होना चाहिए कि बादल जब आ जाता है तो शांति छुप जाता है और सुधार होता है अच्छा मान बादल आए कोयला पड़ा तो कोयला पड़ने में अरे भाई लाभन हो गया कुआं फंस आ गया और थोड़ी देर के बाद में सड़क दिखाई देती है न मकान न कोई जानवर न कोई दिखाई देता तो आप तुम्हारी आँखें तो ठीक है लेकिन आप कुछ दिखाई देते इसी तरह से उत्तर द्वारा काला पड़ता चला गया काला और सफेद काला और सफेद काला सफेद पीला नीला और काला पड़ गया तो आम तुम्हारी से आम और ज्ञान जो तीसरा देश में और शिवले तुम्हारे सबके पास है सत्ता बंद हो गया जब आम बंद हो गई और जिस नाम को पकड़ सकते आप उतारे गए थे तो तुम्हारी ने कहा था ये नाम मत छोड़ना ये सब मत छोड़ना आवाज तुम छोड़ना इसको पकड़े रहना कोई कितना भी लालच है इसको लड़े तो उन्होंने यहां लालच दिया डाल दिया हाँ ठीक है तुमको राजा बनाया जाएगा तुमको ये तुम गुण करोगे तुमको धनीबाज बनाया जाएगा तुमको वीर बनाया जाएगा और तुम बहादुर रहोगे तुम्हारा नाम होगा तो आप सब मतलब ये छठे खाते और इसमें धीरे धीरे करके आप फंसे लगे फंसते बसते 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 फंस गए तो वो जो नाम डोरी पकड़े थे छूट गई अब नाम डोरी जब छूट गए तो आधा छूट गया और आंख बंद हो गई तो दरवाजा बंद हो गया कान बंद हो गए तो सुनना बंद हो गया आंख बंद हो गई तो देखना बंद हो गया और नाक बंद हो गई तो सुनना बंद हो गया तो सब आपका एकदम से और आप अंधेरे में हो
अंधेरे में कभी सूरज जाओ, कभी पश्चिम जाओ, कभी पार्क में जाओ, कभी पेड़ में, कभी दरिया किनारे, कभी तालाब के किनारे, कभी सूर्य के किनारे, कभी वहां कुछ का वहां चारों तक दौड़ते हो। कहते हो मेरा जंगो अगर तुमको पाना है या वो मालिक का दर्शन निदान करना है सुखों का, तो इधर उधर कहीं नहीं, तुम्हारे पास ही उसका हाथ है। घाट का मतलब दरवाजा तुम्हारे पास ही है, क्योंकि जीवा पकड़ी लग रहती है अपने दरवाजा है। तो आपने दरवाजा तो किसी से पूछा नहीं कि भाई हमारा निजी दरवाजा जहाँ की तो जीवात्मा है, वो चेतन दरवाजा कहाँ पर यानी भी पूछते होते तो कोई ना कोई आपको जानकारी क्या था तो बताता है तुम्हारे अंदर ये दरवाजा है और ये यहाँ पर मतलब ये तुम्हारे हाथ और कान है और इस तरह से तुम बैठो तो तुम्हारी आंख खुल जाए, तुम्हारे कान खुल जाए, बलवा हट जाए, तेरे पास उनकी गंदगी का जब हट जाए तो आप खुल जाएगी तो आप सुनते रहो सुन रहो तो बोल दो आप उठना भी तो आप तो ये छोड़ करके भागे कि नहीं वो तो कहीं बोल में बैठा होगा कि बैठा होगा मुसलमान भागता है नहीं खुदा तो सावन होगा। अरे वो खुदा सावन क्या होगा, खुदा के मतलब ये इसके स्वामी बैठी है इसने कभी तो भरके बोल रहा है इस मंदिर में मंत्र मंदिर में और सुनने किसी फकीर और महात्मा से तुम मिले ही नहीं। तो जो रास्ता जिसने देखा होता जिसने उसका दर्शन मालिक कर दिया होता तो मतलब यह है कि आपको बताता, लेकिन आप तो किसी से पूछते भी नहीं हो पागल इधर से उधर। तो कहते हैं सही जाओ, पानी में जाओ, पत्थर में जाओ, सागर में जाओ, जहां से भी तो खर दो कहीं किसी जगह लगे खास जो है वो तो तुम्हारे पास है। पहले मालिक से मिलने का दरवाजा तेरे पास हो सकती है, ये जितने भी प्रयोग से सरकारी है जिसके बाद कई लोग है मुसलमान उनको दरवाजा दरवाजा मिलेगा सब पक्ष में कभी तुम्हारा सामने दरवाजा तुम्हारा भी घाट नहीं मिला और घाट पर कूड़ा कचरा तुमने पहाड़ों की तरह से इकट्ठा कर दिया तो उसको हटाने वाला कुछ करना चाहिए। तो जब कूड़ा और कचरा हटाएगा तुम्हारी देखो बात ही आगे बंद हो जाए, घाट बंद हो जाए तो आप बहरे और से हो गए और गांव में बच्चों में सबसे सबके लाओगे हर लड़कों तुम हमको ले जाओगे डॉक्टर के पास तो लड़के उसके सुन नहीं रहे क्योंकि बंद होगा। अगर तो प्राणों से लाता है गरीब है कोई ऐसा दया मार जो हमको किसी डॉक्टर के पास पहुंचा दे हमको दिखाई सुनाई नहीं देता हम कैसे चले और कैसे कदम रखे तो हम गड्ढे में गिर जाएंगे और दूसरा चिल्लाता किसी को दया आ गई उसका कलम नहीं चला वहां देंगे शहर में डॉक्टर के पास भी देखिए डॉक्टर है आप जवाब तो कह दे डॉक्टर साहब अंदा पैदा हो गया हूँ आपकी बड़ी कृपा और दया हो जाए तो कोई ऐसी दवा दे दीजिए ताकि हमारी आप नुकसान हो जाए तो हम सही था अपना नृत्य का कर देगा देखे और चलेगा तो दवा टूटेगा ही और उस दवा का पैसा भी दे देगा फिर वो कहेगा जाओ ये दवा तो अपने घर पर वहां डाल देगा अब वो डालता रहा है नहीं डाला उसकी मजी के बाद लेकिन पांच उसकी खुली है खुली है वो कुछ भी नहीं खुला वो बस मैं सो रहा तो बात नहीं कहता और बहना वर्ष कभी जब तुम्हारा ये सब पूरा कचरा जमा हो गया तो तुम्हारी आंख और कान और नाक बंद हो गई तो उधर से भी तो बंदे बहरे और इधर से भी तो बंदे बहरे। अब बताओ तुमने कभी ये पूछा है जीवात्मा में कोई आंख है, जीवात्मा में कोई कान है, जीवात्मा में कोई नाक है और वो कैसे बंद हो गई, कारण क्या हो गया उसको बताइए और ये बताइए कि हमारी बंद हो गई और हमारी आंख खराब हो गई तो खुले कैसे उसका कोई उपाय कोई दवा कोई खेती ये है कि कृपाओं से कीजिए तो अगर सच्चे बात पर मिल जाती तो साल में दोबारा सस्ता हो जाता लेकिन वो तो कोई मिला नहीं कोई तो वो भी थका चलो वहां बताया तो छपा होगा और छोड़ क्या रहे इसमें क्या ढूंढ रहे उत्तर कैसे क्या सलाह सकते हो दुकान में क्या ढूंढ रहे हो पूजा करने करूँ तभी आप दफ्तर में जाते हो तो क्या कहते हो मेरी मजदूरी करते हो चाहते क्या हो तो आप ये खोल रहे हो कि भाई हम हमारे पास कुछ पैसा नहीं हमारे पास कपड़े नहीं हमारे पास कोई मकान नहीं तो कुछ पैसा हो जाएगा हमारे पास तो हम कुछ कमरा कर देंगे तो हमको आराम मिल जाएगा हमको बातचीत मिलेगी हमको तो मिल जाएगा। अच्छा ठीक है आपको कमरा भी मिल गया मतलब ये सब कुछ मिल गया लेकिन सब पूछा कि भाई तुम्हारे पास जब कपड़े नहीं थे तुम नंगे रहते थे और फटे कपड़े पर रहते थे सब तुम कहते थे भाई मैं बहुत खुशी हूँ कपड़ा मिल जाए तो आराम मिलेगा तो आपको कपड़े मिल गए तो आराम मिला तो सुख मिला तो शांति मिली तो कानून अरे कुछ नहीं मिला फिर वो आगे बढ़ गया कि पैसे अपने कुछ खर्चे करिए तो कृपाण करेंगे तो कृपाण करके उसने रातों कमाए उसने और उसके बाद मकान भी बोला दिया उसने
और अपनी कंप्लेन करता मंत्री हो और फिर उनको साइड में आने जाने की और उनकी जो उसको खरीद दिया था उसके पास हो गया। अब उसने पूछा कि भाई तुम इतनी मेहनत करके तुम यहाँ तक आए हो और तुमने ये सब चीजें इसलिए इकट्ठी की जैसे आराम के लिए खरीदी थी देखो कह दिए और शांति के लिए और आनंद के लिए तुम्हें झूठ लगाने के लिए नाम खान दिए। पूछा उनसे कि बड़े बड़े जिनके पास अरबों अरबों के भाई तुम वहां से चले थे तुमने इतनी मेहनत की थी कि एक कारखाना दो कारखाने चार कारखाने तक लगाए और तुमने बहुत पैसा इकट्ठा किया और सब तुमने हर शहरों में मकान बनाए बढ़िया बढ़िया मकान और बढ़िया मकान और कपड़े और सब सजावट सब कुछ है लेकिन ये तो बताओ हमको ये तुमको मिला आराम मिला शादी मिली तो वो आनंद उठाए हम थोड़ी एक देर बाद खाने का मौका मिलता और थोड़े को थोड़े मिलता जिस पर मेरे साथी रहते हैं और आप रोजगार शायद से परदेश हो तो सोचता है मुझे ऐसा करो कि परदेश हो तो राइट हो तो सो रहे हो परदेश में पाओगा वहां से तमाम लोगों को मार दिया परदेश में गए वहां तमाम लोग इसलिए मैं सबको मार दिया और तमाम सबकों को मारा और वो सब सामान ले लिया तो उससे पूछा कि भाई तो पहले तो यहां सुन रहे थे तो यहां सब कुछ ले लिया आपने और यहाँ और वहां के चंद्र सुना कि वहां को सुना वहां सभा हुआ और वहां आपको मिला रखा कुछ मिला रखू आराम मिला रखू खेल मिला रखू शादी और नाम मिला और कुछ नहीं मिला और सबसे बात तो यह है कि वहां दूसरी आपके आराम की आ सकती है। ये जितने भी चीजें देखते हो तुम विश्वास करते हो काम सोचते हो जवाब में खाते पीते हो ये जो होती रहती है सारी एक हवा छी तो कहने आपको जैसे ठंडी हवा लग गई तो जरा भी ठंडा सारी इसी तरह सुप्रपुर जरा सा है कि छू करके जरा सुप्रपुर आनंद मानूंगा तो सुप्रपुर से जो छुपा है और जाएगा और नहीं रहा अच्छा और करेंगे तो और नहीं जाएगा लेकिन तो कुछ है नहीं उसको नौमान एकदम कैसे आप सुनते रहते हो और सब समय आपको पूरा करेंगे कि तुम करें सुन तब तक ये उसका किराए का मकान जो अमूलक था जो आपको छोड़ने के लिए गया था पूरा हो गया तो कहा कि अच्छा भाई देखो ऐसा है कि ये तो भारत का वो सब राम ब्याह था और वो किशोरदत्त है उसका समय पूरा हो गया भारत सिपाही को ले जाओ और मकान जो है उसका खाली रहा तो उसका आवाज दी और उसका गए वही मतलब ये इसका मगन अब तुम्हारा समय पूरा हो गया तुम तैयार हो जाओ मैं आ रहा हूँ मकान खाली करना है और बस तुरंत जैसे आवाज दी और उसको सुना तो उसको लड़का गया और जैसे ही वो सामने खड़े हुए तो उनकी शकल को देख करके इतनी बात सकल है उनकी शकल को देख करके उनका होश हो गया आप हंसी हो गई शायद नहरे हो गई शायद राजा हो गए भूज हो बना लेना और बल था शराब बंद हो गई शराब नहरे हो गए प्रकट गए कि वो बुद्धि पागल हो गई न वो दे सकता न बोल सकता रे बुद्धि है कारण और हमारा कभी बस को एक ब्रेक मिल जाएगा निकाल मकान की बात कर लेगा ये मकान ये जो किराए पर आपको दिया है मनुष्य मकान ये मनुष्य मंदिर है ये जीवात्मा जो चेतन है और उसको चेतन को निकाल दिया बाद में दिया और ये बापू के हवाले दिया कि मैं हिसाब निकाल हूँ जो जो लिखा है निकाल पर अनुसार मनुष्य जो किया और वो पूरा नशा मना है इसके साथ ये किया है मेरा ये किया इसके साथ ये चोरी किए ये किया ये नशे मारे लड़की मारी ये चादर पर दिए उसको ये किया और ये सच बोले उसको खाली करा दिया इसको खाना दिया सब को तुम्हारे जो भी पाप हो गए था जो छह कबर भरे छह पाप भरे सब अब उन्होंने निकाला और उसे बैठा किताब करने वालों को उसको दिखाया था ये किया और ये रोजना क्या है ये रोज का वही खाता है जो इन्होंने किया और इसे तो वो तो सब थोड़े से उनको देना और वो उजाने में बैठे नीचे रह गए तो वो पता नहीं तो उन्होंने कहा कि हमने तुम्हारी आजादी को नहीं छीना सब उनको सुखद किया है जो तुम्हारी इच्छा है तो करो और तुम्हारी अगर इच्छा आई है कि मैं इनको पास उठ करना तो ये दरवाजा तुम्हारा जो है तुम्हारे पास है तो सीधे अपने घर चले जाओ अपने लोग में अपने उत्साह धाम है वहां जाओ और वहां जाकर के अपने आराम से रहो तुमको हमारा वो भी रास्ता बंद नहीं किया लेकिन हमारा जिस पर सजा शुरू का है आप उसको लाइए हमको दे दो मैं क्या थी तो आप सजा आपने इस पर ला दिया कि आप मतलब यह है कि वो मुठ तो मुठ रहेगा ही लेकिन ब्याज आप कुछ नहीं दे सकते हो गए आप मतलब यह है कि आप वो खर हो कि यदि जनसार न हो तब नहीं दे सकते इतना पार जमा हो गया तो ये बताओ कि जब ये वो मोड़
माफ करेगा। आपने अगर महात्मा भी जाए महापुर जिसने प्रभु को पाया, आपने मनुष्य मंदिर में उसकी आंख हुई है, अगर वो मिल जाए तो ये नगरा माफ हो सकता है। दूसरा और कोई को माफ नहीं कर सकता, कोई नहीं करेगा माफ, कोई कर सकता नहीं ना। जो महापुर और कोई गालीबाग को तो महापुर कहते नहीं, चलो गालीबाग है सबरे कपड़े उसे कपड़े पहले तो ये और प्रभु को पाया, और जो साक्षात्कार करता हो तो आता हो जाता है, जो सब रखा हमें वो डरेगा, जिसको सब करेगा वो तो सच्ची है, उसके बाद ये चीज है वो अगर मिल जाए आपको तो उदय कर सकता है और स्वाब हुआ वो ऐसी अपनी अपनी जला देगा कि जो लगाएगा उसको जल के खाब हो जाएगा। बाप उसे सुनो और जीवात्मा को मन को रुचि को चितो और ये अपना घर इसको सब को साफ कर देगा। तो आपने जो कभी किसी के पास गए हो पूछा भी नहीं और कभी किसी की बात को सुनते भी नहीं हो, इधर से उधर निकाले भी पर पहले में आए थे हम और किसी रात होंगे तो रात हो गई किसी जगह के ठहरा पहले से कर गया पूछा भाई जनरल है यहाँ आप कुछ जगह करने दिया तो हम कुछ कर दिया कि नहीं आप हो नहीं सकता है तो जनरल में जाके ठहरे इस पेड़ दिन से रुक गए लेकिन तीन बरस हो गए तो कोई नहीं ठहरा था और दो चार आदमी तो सब जाए कि यहाँ एक जनरल है यहाँ हमारे एक नाला चलता था पानी का मारो गिरा पर वहाँ इधर उधर से लोग इकट्ठे हो गए। तो मैंने उस समय पर भी आपको कहा था कि आप चीजें पढ़ना हो अगर हमारी बात को सुनो समझोगे तो आपको चीजें पहचाना पड़ेगा। तो यहाँ तुम्हारे इसी बात करके और तुम्हारे लाभ की तुम्हारी भलाई की पहचान की इसी बात का जलम बरस की वजह आप सुनने तो इस निकाल करके जब बाहर किया तो दो व्यक्ति उन्होंने हिसाब किया और सिपाहियों से कहा कैसा है इसको ले जाओ सिपाहियों को नाम वाले लड़क में ले जाओ जिसमें सारे जाते हो उसके एक करोड़ की सजा आपको दे दी कि जाओ उसको सजाकर को जैसे उससे होगे ऐसा जो देखते हैं कि वो चाहते ही एकदम फट करे ये सब ये सही उसको खरुष का है उसमें ढेर होता गए उसमें और संगे और किनारे बच्चे बाल बच्चे ये ऊपर बचाने वाला और राजा के सिपाही और सनों बचाए गए थे वहां एक करोड़ तक तो आपको कराया जिला भी रहा और एक करोड़ अपने बाद में कहा कि इसको ले जाना वहां वो देखो बड़े बड़े खंभे जो है वो आप ही चल रहे और इनको जो है वो सब नाम पर को गुजराओ तो सब वहां पर कितने होते हो तो आपको सोचना चाहिए उसमें जला के रहेंगे लेकिन छोड़ते नहीं आप बस जलाए करते हो उसमें और चिटाते रहो और यहाँ होगी चक्कर वाली आवाज है कहीं तुम्हारी आवाज सुनने वाला बोल जाए फिर उसके बाद कहते हैं अच्छा अब इतना इसको कितने दिन तक ये हो गया इतना अपना कर अब इनको ले जाओ और उस नाम वाले रथ में 10,000 वर्ष तक इनको काटो अगर आप इस तरह काटते रहते हैं निकल छोड़ते रहेंगे और जोड़ते रहेंगे और काटते रहेंगे और जोड़ते रहेंगे काटते रहेंगे और तुम चिल्लाते रहोगे एक पल भी आप आराम नहीं मिलेगा। ये महात्माओं ने जो अपने आप से देखा तो आपको ये बताया जब मैं एक बात बताऊँ आपको तो शिकायत ये भाया जी की मुझे समझे देखें ये मुझे भी समझाइए और एक कहते हैं उनका जनता हुआ था इस बात जिसको महाराज है तो जब वो 5 वर्ष के 6 वर्ष से होने लगे तो उनको अंदर से वो प्रेम हुआ कोई महात्मा का दर्शन होना बैठा 5-6 वर्ष का क्या होता बच्चा लेकिन अंदर से वो देव हो इनका दर्शन हुआ तो वो माँ बाप को बताएंगे तो साथ देव चले जाए खड़े हो जाए और देखे जिधर भी कोई महात्मा दिखाई दे जाए तो इधर से दिखाई दे तो यहाँ माँ बाप उनको देखे जुड़े कि लड़का खा के लग गया नहीं मिलता तो पता लगा कि सस्ती में खड़ा है तो वहां से खुड़ के जाए तो सह माँ और सह चाह के उसे लगे तो रोए मिला है जो पूजा शंकर चाहे उसका सह सत्ता बच्चा अब उसके बाद में कुछ नहीं एक आदमी सुन चुका उसको चला गया उसका सुसरा के पास और वहां तीसरा है कोई उसको कोई महात्मा कोई जैसे निकल जाए आता जाता हो तो खराब यहाँ आम आवाज मिले कि लड़का तो था पता चला गया सत्रह में देखा गया नहीं मिला तो पता लगा कुमार से लगा कुमार को आदमी गए उसको पकड़ के जाए तो सह मार तो सह मार अब उसको मारा करे तो कभी वो इधर बैठ जाए कहीं उधर बैठ जाए कभी कुछ है काम रखता और जाता जरूर रहा रास्ते में ढूंढने के लिए
कि मुझे कोई भाषा मिल जाए कुछ, लेकिन वो मार खाता तब तक उसकी वो इमारत गिरा पर क्यों मर हो गई। रात को 2 बजे उठे चाहे और वहां सड़क के किनारे जाकर के रो रहे हैं, महात्मा के दफ्तर के लिए रोते रहे रोते रहते रहे, तब तक अंधेरे में महात्मा जा रहे। उन्होंने देखा अरे मचान हो रहा है, जो देखा कि मचान हो रहा है कहने के और सुनते इतना कर रहे थे और सुनवा करके रोके बता इतना यही आया हो रहा था और दर्शन करने के लिए था तो मैं आ गया और सुना प्रसाद और मैं तेरा दर्शन कर रहा हूँ तेरे दर्शन कर गया उसको बैठा करके और रास्ता बताया कि ऐसे ऐसे बैठ करके तू करना इस तरह से बैठना इस तरह से देखना फिर बात आप है और फिर बात खाद और फिर बात ना है इस तरह से बैठ करके तू देखना और तेरी आप जो है खुल जाएगी। फिर और खा ऐसा बैठ करके तू करना रोज अपना नियम से करना अपना तो फिर आप और खान कर करके तू अंदर के कानून बोला तुझे भगवान की देव भाई सबको एक नाम दिए मतलब आवाज सुनाइए तो उसको समय लेना सुखने लेना उसको छोड़ा है और जब पकड़ेगा आप खुले समय योगाधर उसको साफ समझा बुझा के बच्चे को प्रसन्न दे करके और उसको रखता कर देकर कारण रखे जाते अपना जहां मौका मिला वो दर्ज करना है जय दर्शन के अंदर जय सदर करवा गए यहां से रास्ता ले गए उसे गुजर उसे बैठ करके रुका उन्होंने कहा रुका रहा रुका रहा तो एकदम से भाग टूटा अब वो टूटा और करोड़ खुला बड़ा अंदर बड़ा बड़ा गेट बाहर उठना जैसे और लोग राम होता है जीना जीता खाओ मैंने दरवाजा खोल देखा कि वो सामने बैठे हुए और मुझको देख रहे राम को देखा वो राम बैठे हुए तो उन्होंने कहा कि देखो तुम मेरी आवाज को पकड़ के चले आओ तुम मेरे पास तो मैंने उनकी आवाज को पकड़ा जो उसके मुद्दे निकल रही थी उसको पकड़ा और सीधा उनके पास चला गया और सामने खड़ा हो गया जाकर साक्षात साक्ष उन्होंने सीधा साक्षात की सरकार जिसको बना कहते हैं उसको लोग राज कहते हम परमात्मा कहते हैं परमेश्वर कहते हैं उसका साक्षात साथ बहुत प्रसन्न बहुत दूसरे पर उन्होंने कहा कि मैं जिसको रास्ता देता हूं और अगर स्वस्थ हो गया हूं तो उन्होंने रास्ता खोल दिया तो वो जब उधर गए उधर मार्च उधर तो बस बेटे उधर तो भी मैदान है जितना के संसार एक कुछ नियम के सामने इतना बड़े मैदान तो वहां खड़े हो गए उधर मार्च उतर करा सर ये देखते कि अभी रचना क्या है सब बैठूंगी और ये मुश्किल क्या चारों खाने क्या और नर्स क्या है सब खड़े होकर के उन्होंने पूरा का पूरा अध्ययन किया और सब अपनी आंखों से देखा कि जीव कैसे निकाले जाते हो कैसे निकाले जाते हो कैसे खान ले जाए जाते हो क्या इसका ऐसा होता और क्या इसकी दिशा बड़ी होती है और कैसे सिखाए हो कैसे उपन्न था और कौन सिपाही ले जाते फिर कहाँ ले जाते और कहाँ इनको बंद करते और क्या करते सब उन्होंने देखा। जब ये सब कुछ देखा और पूरा अनुभव अपनी से बांधते ज्ञान से कर लिया तो उन्होंने ऐसे करके ऊपर करके तो देखा तो देखा और सारे अन्य को अलग हो गया एक से एक अद्भुत रचना थी तो मनुष्य अपनी मस्जिद के अंदर 13-14 साल की अवस्था के अंदर कुछ आदमी है उस मतलब ये तो परमेश्वर स्वामी को प्राप्त कर लिया मान लिया और तो रामायण पढ़ गए सुनते रह गए अनुभव ने सुनाया और नेहरू ने सुना और जो उन्होंने कहा था वो तो एक बात की आपने समझी क्योंकि महात्मा ने बना के कैसे देखी भाई किसी महात्मा से लोग अगर महात्मा ने कोई तो रास्ता नहीं बताते तो उनको क्या मिलने वाला था तो सच्ची बात सुन गए उसके पास आने जाने वाले तो उनको सोचा दिया और वो अंदर में मिले और बात कहते हैं कि उसको अंदर में मिलते हैं और बाहर जो अंदर भी और इन्होंने बताया वो कोई वहां और किसी का नाम नहीं दिया बोलता रहेगा इसीलिए आपको तो किसी की सलाह करनी चाहिए आप पहले आप ये सोचो कि आप अधिकार तुम्हारा था उसका कार है और तुमने ये स्कूल को गुस्सिया नहीं सब था अच्छा तुम्हारा एक मन है तुम्हारी एक बुद्धि है ये तुम्हारा किस्त है और ये तुम्हारा मतलब है कि यही अधिकार है तुम्हारा है किसी को और यही तुम्हारी जीवात्मा है कोई उधर नहीं है इसमें निकाल करके अधिकार दिया एक मिनट में और कार में छज्जा हुए को और नए खरगोश में उसकी चीजें उस खरे में और उस घोड़े में
और उस बकरे में उस बकरी में और ले जाते और उस शेर में और उसमें जाकर के वो मुझे ले उसमें जाकर बंद कर लो तो बस सिपाही ले जाएंगे बस उसमें बंद कर हो तो यही आपको मुझसे कौन है यही मन है यही बुद्धि है यही चीज है यही प्राण है और यही जीवात्मा जिसमें है इसी से निकाल कर दिए और ये तो खुला है यहाँ सामने पड़ा रह गया इसे निकाल के उस खोल में जाकर के उसको उसको बंद कर दिया तो आप बताओ वहाँ आप मुर्गा हो गए और बकरे हो गए और गाय हो गए और भैंस हो गए और शेर हो गए और चीता चुहैया हो गए आप तो आपको ये सबको समझना चाहिए सबसे कम जो एक पहले के हो आप सबको मनुष्य हो आपको अनुभव मनुष्य दिया और पांचों सबसे पूरे दिए है और आपको बुद्धि दी है कि पीछे क्या और अब क्या और आगे क्या होगा उसके सोचने के लिए तो आपने समुद्री को उठा के खा कर दिया ऐसे ही आपने कहीं रख दिया तो कह दिया और नहीं आप सोचते हो अब ब्राह्मण एक क्षत्रिय एक नाई एक होली एक बढ़ाई है अब वो सब है कहते हो मुसलमान को क्या चाहिए कोई क्या खास करके कोई भी हो आदमी होना चाहिए उसकी तरफ से तो आदमी है उसकी तरफ से तो कोई मंदिर मुसलमान है नहीं न उसके तरफ से कोई राम और रही है वो तो वो आदमी की शक्ल दिखाई देती है और उसकी बात उन लोगों की सत्ता है आप ब्राह्मण क्या है उसी का बहुत विद्वान है छत्री का ये मत है ये कलाई का है और नाई का यहाँ से ये मुझेता की और धोबी का ये यहाँ से तय कर मुला का यहाँ से जानकार तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो सुंदर होगा या नहीं होगा तो बोलो होगा कि नहीं होगा तो ये जब गर्द आपको होगा तो आपको तो ये समझना चाहिए था कि यही तो जीवात्मा है जिसको ये कहते हो मैं तो तेरे क्रम सब आत्मा वसूल करूंगा तो मैं इसमें से उसमें जाकर के बंद करूंगा और वो वसूल करूंगा तो वो योगी होंगे वो कर्तव्य की योगी नहीं है वो पदुकों की योगी होने की योगी है और ये है कर्म करने की तो कर्म करने की योगी में जब तुम आए तब तो तुमने ये नहीं समझा भूमि क्या और पाप क्या और कर्म करने लगे और सज्जमा करने लगे अब जब तुमको सजा मिली है तो उसी होने को भोगने के लिए तो आप वहां भोगने के लिए वहां गए आप जैसे वो बकरा है मुर्गा है मुर्गी है गाय है ये क्या है और बुद्धि खराब हो जाए फिर लड़के को मार दिया लड़की को मार दिया स्त्री को मार दिया इसको मार दिया उसको मार दिया तो आप उनको क्या कोई गया नहीं लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि मुर्गे की जाकर काटी आपने देखिए और गाय का इस पर काटी उसको देखिए आपने खरगोश का मतलब ये बेकार काट दिया तो उसको दर्द होगा कि नहीं होगा जैसे दर्द होगा आप ही को भेजा पाई इसी में सब निकाल के गर्भन किए गए तो इतना भी सोच सकते हो कि जो पीड़ा उनको होती है वही हमको होती है जो उनको रखती है वही हमको रखती है जो सर्दी करती है उनको जो प्यास रखती है वो हमको रखती है आपने ये नहीं सोचा एक बेचारा कैसा उस पर 50 क्विंटल आपने यानी लाल रखा है अनाचा अब उस पर एक पांच दिन भी बेचारे का बुखार चढ़ा और 3 दिन से खाना नहीं खाया फल नहीं किया अब वो डंडे नहीं करते उसको चाहे वो डंडे हो चाहे बीच में हो चाहे इधर से और जैसे के बाद तो बैठ हो जाता उसको भी बस नहीं कर सकता किसी ने ये कहा क्यों मार रहे हो उसने सोचा कि मैं क्यों मार रहा हूँ आखिर में इसको कोई तकलीफ होगी तो मुझे नहीं चलना चाहिए तो वो पूछ रहे हैं तो बेचारा क्या करो कैसे इकट्ठा रहो की भाषा सुन सकते हो एक थोड़े पर एक सारा उसको 25 आदमी रहते थे सब चले जा रहे उसको बुखार चढ़ा है वो जानता कि हमने खा जानी थी हमने दाना डाला था लेकिन इसने खाया नहीं पानी ने खा नहीं किया तो इसे कुछ रहती है कोई शरीर में इसकी खराब नहीं होगी तो इसने खाना नहीं खाया और नहीं किया आप उस पर 20 आदमी 25 करेंगे और ऐसा वो पैसा उसके ऊपर थे और सब उसके मौत और सब जगह बिताया तो फिर मैं जाता हूँ और मैं एकदम से वो पूछने वाला तो समझने वाला होना चाहिए नहीं कुछ नहीं अब वो भोजन नहीं है उसका आगे कुछ कैसा नहीं है उसका चला तो ये तो कौन करेगा अरे कौन सकेगा उसकी बाधा कौन वो अनुभवी नहीं है तो कर्म वो आपको चला पड़ेगा आप वो सब अदा करेगा मार मार करके वो अदा करेगा थोड़े करिए आपको चाहे आप राजा बचाओ चाहे आप सरकार बचाओ चाहे कोई भी बताओ वो अगर को अनुभव करेगा तो सबको क्या देगा आप मातो ने जब देखा तो चलाए अरे इस बात को तुमको अनुभव से खरीद दिया उसके किराए पर और थोड़े दिन के लिए दिया तुम ये क्या कर रहे हो अरे तुम जैसे करो तो जीवात पर हो और नदी में जैसे से जगाओ और गांव पर हो यदि तुम जैसे से इसको प्राप्त करो जिससे तुम्हारी बचत हो जाए तो नाम दर्द को साथ लाभ से देखिए क्या आत्मा का सुरक्षा जीवात्मा का नाम है
ये तरीका ये आप जयप्रिया की वायु आवन तो ये तरीका सही तो यह है, लेकिन जीवा पर इधर बैठी है वो फिर तो नाम है उसके अंदर नाम लग गया उसके अंदर जीवात्मा भी है। तो आपने चेतन से चेतन हमको नहीं पैदा किया, नहीं प्राप्त किया उसको, नहीं जमा किया, और ये बताओ रक्षा कौन करेगा? जीवा को हम सभा को करेगा कौन बैठाएगा? आप वो जन्म से कौन चला दिए रखो बैठाएगा? तो आपने भी कोई बात नहीं तो दी रही, आप प्रक्रिया दे रहे हो बच्चा सही और मतलब बैठाया उस समय आप तुम्हारे सामने लड़का ले गया और लड़की ले गया और ये ले गया और पति अपन से रो ले रहा है, ऐसा चला गया आज ऐसा आ गया आज बैठा तुम्हारे बिठाया है ये तो गायब हो जाएगी, निचो देने वाली नहीं है और तुम्हारे सामने गायब कर देगा और गायब करते और सुनकर उठवा करके और वहां से जा करके करवा देगा और चलवा देगा वहां और फिर पहले छुट्टी करो उसकी तो सुधे अपना करो कपड़े धो घर को धो और चार पाई को धो हर बड़ी मोर्चा करो देखा जाता है जीवात्मा होते हैं अपना बच्चा होते हैं अपना पति होते पत्नी हो वो तो मोटा फेंक करके आओ तो आपको नहाना है और कपड़े धोने और सबको तो सुधारना तो मोटा ही होता है। आपने ये निर्दोषता जो घर कर रहे और हम इसमें क्या हम ढूंढ रहे थे इतने में खाने में मारने में इसमें आपको क्या मिला है? आप उससे मिला उससे जो कर रहे हो उसके बाद वो जमा कर दिया तो आप उसे रखो तो सब आपको धर्म कर जा फिर वो ले जाएगा लड़कों में आपको उठानेगा और कितने करोड़ों का पुस्तक वहां आपको है चीज आपको देगा कि तुम वो तो कर आप लोग तुम्हें अनमोल चीज आपको दे रहे हैं उसको दे दो तो को ले लीजिए आप क्योंकि ये चीज आपको मिलेगी नहीं कहीं जाओगे तो मिलेगी और फिर खुशी से दे रहा तुम कहोगे भाई हमारे पास धन है तो धन दे करके हम क्या कहीं सबसे नहीं मिलता सारे संसार का यदि सबको नाम राजपाल रिजर्व को रखा भी और इसमें रखो इसमें और कहोगे हम तुम्हारे ऊपर में आरती करते और सब उन पर चढ़ा देंगे और तुम खड़े हो जाओ तो फिर कोई ये खड़ा नहीं करता। ये बहुत से अनुभव प्रमाण थोड़े दिन के लिए दिया है तो जीवात्मा को निकाल के विभाग है मिट्टी है पड़ी जाओ ये सब मिट्टी है ये पड़ी और ये है ये कटिया ये पढ़ाओ ये पढ़ाओ आपने इस बल नहीं सोचा तो आप अनुभव कीजिए और ये प्रार्थना है हमारी सबसे सबसे जितने भी मनुष्य सारे सबसे है कि आप लोग साकार तो पहुंचे मदद के लिए सोचो साकार साकारी में क्या जितने मनुष्य वही अनाज और जितनी सब्जियां जितने दूसरे ही रेस करे और जितने दूसरे गए जिससे आप खाओ आपको मदद मोदी की बात है अगर खेती करो तो कर दो दफ्तर का काम करो मजदूरी करो ठीक है कोई हम आपको मना नहीं करते लेकिन कैसे करो ईमानदारी और मेहनत के साथ जब ईमानदारी घर के साथ भी मजदूरी और खेती करोगे और सुधारो दफ्तर का काम करोगे तो उसमें तुमको बरकत मिलेगी। बरकत का मतलब है कि हमारी का आशीर्वाद तुमको मिलेगा जब आशीर्वाद मिल जाएगा तो हमारे बच्चों को खाना हमारे बच्चों को कपड़ा हमारे बच्चों को रहना सब ये सबसे बड़ा आपको फल ये मिलेगा कि शरीर सबका पक्ष करेगा चाहे जीव से कोष से बचाओ तो इसी में तो बड़ा मुख्य दूसरे को शरीर स्वस्थ हो जाए अब वहां ईमानदारी का सोचिए इच्छा रहे कपड़ है शरीर है धोखा है विपन्न है झूठ बोला है उसको छीनना हो सकता ये बच्चों को बड़ा कथा भी चाहिए अब आप फर्क सके लड़का की बात हो लड़की की बात हो स्त्री की बात हो पति की बात हो बाप की बात ये ऑपरेट करा गया और हाथ करा गया और ये करा गया और ऐसा हो गया हड्डी टूट गई और फिर 10 लाख लग गए तो 5 लाख लगेगा और माँ बाप पर तुम्हें परेशान और घर घर में बीमारी तो फर्क सरकार की चली यही है इसलिए ये सब सफाई तुम्हारे ऊपर है और सब ईमानदारी मेहनत से कोई महसूस नहीं करे इसके बाद इसलिए मेरी ये प्रार्थना है कि मैं खर्च लाने नहीं आया मैं आपको साधु बनाने के लिए आया लेकिन वो घर बार बच्चे को लेकर हम साधु बना दू आप अपने अपने घर में रहो और मेरे ईमानदारी के साथ में अपना घर बांट लो कि हम दफ्तर का इतना खेती करेंगे और उससे समय से मजदूरी करेंगे और उसके बाद में स्तर खोएंगे और ये संभाग में कोई आ गया उसकी सेवा करेंगे बस उसी आएंगे सत्ता करेंगे और डेढ़ घंटे समय हमको दो आपने घर में डेढ़ घंटे आपको दिया आपसे समय कराएंगे समय आपको समय बात तो हमें आपको सुविधा भी दी थी कोई नुकसान भी नहीं किया और किसी तरह की व्यवस्था भी नहीं मिला
और वो व्यवस्था उनके लिए बनता ही होती है। कैसा जरूरत के साथ आप ये आखिरी औका भी करते हो जो बच्चे या कोई भी जो पीढ़ी औका लेती है कभी मत पीना, लेकिन जो पीते हो पूरे पक्ष लो और ऐसा कोई नशा मत करो जिससे तुम्हारी बुद्धि खबर हो जाए। तुम लड़की को तुम अपनी माँ को तुम अपने बाप को तुम चाची को और भतीजी को तुम कार्य करो आस पास जब बुद्धि तुम्हारी खबर हो जाए तो तुम्हें सारा आदमी हो ही नहीं। तो ऐसा कोई नशा मत करो, बाकी बुरी थी आप कपड़े अच्छे पहनिए, आप अच्छी होते रहो अच्छे मकान में रहो, मैं आपको गुजारा नहीं करता हूँ, लेकिन देर सकते आपको हम पहुंचाए दे अपने घर में कार खाऊंगा ठंडे कोने में कमरे में भगवान जी रखते हो सच्चे करूंगा एक बार श्री मंदिर में तो सहेब रहो दे उसको क्या मिलता हम लगता उसको लगा मिलते नाम ने क्या की। तो मैं आपको देने को चाहता था तो आप ले लीजिए क्यों मेरे साथ तो मेरा मैं बहुत थक गया था। 28 दिन के दौरे पर निकला हुआ 28 दिन का ही महीना होता है तो मैं अचानक में निकला ये सब देख रहे हो आप ये सब हमारे तो कुछ नहीं है। हम तो किसी चीज पर बैठ जाए किसी मोटरसाइकिल पर साइकिल बैठ जाए किसी मोटर पर बैठ जाए हमारा फिर कुछ इन्होंने सुना मेरे बाबा जी 28 दिन के दौरे के दौरे पर जा रहे तो एकदम से ये दौर पड़े और अभी तो लोगों को मालूम ही नहीं हुआ। अगर मालूम हो जाता कि सड़कों का दूसरा अधिकार से बाहर जा नहीं सकता आप मालूम इसमें मत बदला कि बाबा जी पर कुछ नहीं है वापस ये तू मत कर रही है क्या ये मकान में सफाई हो जाएगा हम उसमें बैठे कुर्सी लोग के लिए जा सकते उसको ध्यान में रखो इसको तो इसलिए आपको अमूल चीज होगा और वो नाराज हो जाएगा तो थोड़ा बंद हो जाएगा उसको तकलीफ होगी कर लीजिए क्या हो गया तो मैं पहले से पक्का आप उसके लिए क्या होगी देखना होगा तो मैं बता रहे और उसको बीमार होता है हमारे घर में कोई बीमार होता है तुम्हारा बच्चा है तुम्हारी बच्ची है तुम्हारे पति है तुम्हारी पत्नी है तुम्हारा भाई है तुम्हारा चाचा है कोई हो घर में जब वो बीमार पड़ जाए और आपसे रोगी हो जाए और आप सबके सब उसको देख करके उसकी रोगी को बेचे रोने लगे और हमारी दवा को तुम जरूर आगे लेना उसको याद रखना और बोला भी बच्चे उसको जो उसको सबको समझाए रखा हो और बाबा जी को किसी बात दोस्तों को समझोगे जो बाबा जी ने वस्तु नहीं किया और कहीं नहीं किया और वो भी पैसा नहीं तो आप उनको बताए देती जब ऐसी कभी घटना आ जाए बच्चे बच्ची की मौत हो जाए और आपके गांव में कोई डॉक्टर है तो बुला दो उसको और दवा है तो मेरे को बता नहीं करता तो उसको बता के दिखा दे दवा के नीचे लेकर उसको वो भी आ रहा और बेहोश है और तुम लोग डॉक्टर को दवा देने चला गया तो देखकर के फॉर्म वो हो गया तो तुम सब लोग रो रहे हो और चिल्ला रहे हो तो हमारी दवा याद रखना क्या करना कि घर में जाना तुम्हारे पास अगर ठीक ही हो तो और मुर्खा दो दाना हो तो उसके गुरु खा लेना जिसकी नहीं गया है दो दाना और वो खोल करके उसको मुंह में डाल देगा जब मुंह में डाल देगा करना कि सांस पर अपना मुंह लगा करके 10 बार उसके काम पर बोलना कि देव उसे भगवान का नाम बोलो देव उसे भगवान का नाम बोलो देव उसे भगवान का नाम 10 बार तो ये नाम किया संग्रह परीक्षा जब वो 10वीं बार तुम बोलोगे कि जय मुर्दे भगवान का नाम तो उसकी आंखों को देख के रहना तो फिर ऐसे आंख खोल देगा जब वो आंख खोलते हैं और तुमको पहचानने लगे और तुम्हारी बात सुनने लगे तो उससे ये सोचना कि भाई हमने तुम्हारे काम पर मुंह लगा करके दस बार जय मुर्दे भगवान का नाम बोला तो ये बताओ कि तुमको सुनाई दिया या नहीं दिया। तुम ये जब कहेगा कि मैं सुन भी रहा था और बोल भी रहा था तब उससे ये सोचना कि मैं तुमको कोई आदमी दिखाई दिया जब मैं जय मुर्दे बोला को जब मैं बोल रहा था और तुम भी बोल रहे थे बोल रहे थे तो तुमको आदमी किसी तरह का दिखाई दिया तो वो जब बताया आपको खोल देगा वो और वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आप परीक्षा में सफल हो जाओ तो आप क्या करना मुझे ये आज कल्याण के लिए इन बातों को जगाने के लिए सुविधा के मुझे करो 15 मिनट सुंदर और 15 मिनट पर ध्यान और 15 मिनट सजन
ये 45 मिनट आपके उसके और अपने 6 घंटा समय मांगा है, तो आप जब आप खुले लगे पास खुले लगे तो 2 मिनट पढ़ा दो आप, वो काम आपका कर्म धर्म जो इसके लिए है कि किराए के मकान के लिए किसी को खाली हो गए तो वो भी ये भी पढ़ा रहेगा, वो सामान सब पढ़ा रहेगा, उसमें जाने वाला नहीं है। लेकिन ये धर्म जो आत्मंदल है इसको आप अगर सफाई करके रखोगे तो यही तुम्हारी रक्षा करेगा और यही ले जाएगा। तुमको थोड़ा भी जब बचाएगा नर्कों से बचेगा और मरण की क्रिया से बचा लेगा तो तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। तुम्हारा आपकी दर्द तो तुम्हारे पास है लेकिन तुम उसको खो बैठे और उसको बताने वाला कोई है नहीं है, और मैं तुमसे ये बताता हूँ कि ये था। तो ये जब तुम्हारा सामने नहीं हुई अगर कई बार स्कूल पढ़ते चाहे वो आप पढ़ते हो सरकार पढ़ते हो यही बात पढ़ते हो स्कूल में पढ़ो अध्यापकों का भाग सम्मान आदर सत्कार करो और विद्या अच्छी तरह से पढ़ो ठीक है। लेकिन जब सुबह जब स्थान का समय आता है तो बच्चों को एक पर्चा देता है उसमें सब दिखा देता है ये लिखिए और ये लिखिए और ये लिखिए, तो बच्चे उस समय पर जो है भूल जाए उस समय पर तुम्हारे आदमी रात करो हम बताओ तुम्हें भूल गया कि साफ पढ़ रहा था इतने जरूरत में लेके भूल गया तो उस समय क्या करना। इस नाम की परीक्षा करवा जो देवों ने नाम सच्चा है इसके नाम की, तो आप अपना क्या करना है काफी और कलम को रखने का सच देने के लिए बाहर निकलने के लिए ऐसे सच्चा गर्जाना वाला अंदर ही अंदर जय मुझे भगवान का नाम जय मुझे भगवान का नाम जय मुदेव जय मुदेव जय मुदेव जय मुदेव जय मुदेव दरबार को लाल नहीं है दरबार नहीं हवा निकालना जैसे लड़के अभी करके देखेंगे ठीक नहीं अंदर ही अंदर जय मुझे बोला उसको थोड़ा याद हो जाएगा जो आप भूल गए उसको कलम और काफी खाना जन्म किया है उसका क्या परीक्षा करके देखिए परीक्षा में जब तो हो जा और यहाँ पर तो बैठेंगे तो 2 मिनट तुम भजन 2 मिनट ध्यान 2 मिनट सुना ताकि तुम्हारी आत्मा भी विकास हो जाए और ये जो विद्या तुम्हें जो अपनात्वाल है ये तो तुमको अभी छोड़ना है इसमें तो सात बारी को जाएगा लेकिन चाहे किसान को भी इकट्ठा करो जब तुम्हारे चाहे का महान ये खाली हो जाएगा कि ये पार रहेगा बच्चा ये तुम्हारे साथ कैसे जा सकता इसको तो आपके जीवात्मा का सच्चा धन जो मंत्रों की मंत्री में खड़ा हुआ है उसकी जल्दी से खुलाई करो वो जल्दी प्राप्त करो तो दोनों विद्याए एक अपना विद्या एक पाया विद्या एक लोग की विद्या सब लोग की विद्या तो सब लोग की विद्या में तुम्हारा खत्म कर दिया हम लोग में जो दौड़ रहे थे आपको मिली रहा आपको कुछ नहीं मिला इसलिए मैंने आपको सच्चा जल्दी में सच्चा आपको भीड़ और सच्चा रास्ता है जो कोई झुका नहीं किसी तरह का नहीं। अभी मथुरा में आपके मतलब ये 15 मार्च से और 21 मार्च तक एक कार्यक्रम हो रही होने जा रहा आप में से कोई आप प्रार्थना कर दूंगा 2-4, 10, 20, 25, 50 आदमी जन देख आओ जा करके वहाँ और देख करके आओगे घूम करके आओगे और समझ के आओगे और ये अब जब समझोगे देखोगे और यहाँ बताओगे तब आपको पता चलेगा। अब जल्दी में मैं आया और आपको जल्दी यहाँ तो फिर कार्यक्रम आपको छुट्टी ना देता तो परेशानी किया हॉस्पिटल के वहाँ आपके सब समय एकदम से जिला परिषद के मतलब पाया तो अब इसको अब यहाँ आया तो यहाँ देखा हाथ भाव के सब लोग इकट्ठे हो गए अरे बाबा जी आ रहे तो उनको कुछ लेना ही है तो मैं जल्दी में कहा मेरे पास छुट्टी का मेरी आपका मेरा पास में आपकी खेती लोग चलता तो मेरे बाबा जी और प्राप्त हुआ आपके नामों में है। अब इस तरह से मैं 28 तो प्राप्त मिल रहा हूँ श्री भवन साई देखते हो तो इसमें तो हमारा कुछ है नहीं और कुछ ठीक में लग जाए साइकिल मिल जाए साइकिल मोटरसाइकिल मिल जाए बाबरी जब मैंने इसको जब बताया है कि हम इसके बाद थोड़ा होने जा रहा उस समय पर जब आप देखोगे तो आप पता चलेगा ये क्या हो गया बाबा जी को जो कह रहे थे उसको समझ नहीं रहे थे लेकिन ये है क्या चीज उस समय पर आप खुशी सारी सनातन सनातन विद्या आपकी सनातन आपका फल है अनाथना का जिसको आप खो बैठे हो और लोग किसी के लिए तड़प रहे किसी की खोज कर रहे लेकिन कोई बताने वाला नहीं था तो आपके बिना किसी सहूलत डाली के आप इसको मोहलत दी तो आप लोग को बड़े सद्भाव को प्रेम के साथ ले ये पैसे और राजपाल से नहीं मिलता है मैं आपको बता देता हूँ सब मैं सुखों में नहीं रहेगा। अच्छा बोलो जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव जय गुरुदेव अब ये दिखा रहे थे देखो पाठ नाम पाठ रूप पाठ अपना और हरेक के मतलब पाठ कर जाते